नमस्कार, आप देख रहे हैं बॉलीफ्राई। 7 अप्रैल 2020 की 5 बॉलीवुड की बड़ी खबरों के साथ मैं आपका स्वागत करता हूं। कोरोना वायरस अब बॉलीवुड पर भी खूब कहर बरसा रहा है। दरअसल शाहरुख खान की सुपरहिट फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस के प्रोड्यूसर करीम मुरानी की छोटी बेटी और ऑलवेज कभी कभी की एक्ट्रेस जुआ मुरानी की रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें वे कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। बता दें, इससे पहले उनकी बड़ी बहन ठजा मुरानी की कोरोना वायरस टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। बता दें कि जुआ मुंबई के कोकला बेन हॉस्पिटल में एडमिट है। आसिम रियाज और हिमांशु खुराना को बिग बॉस 13 में एक दूसरे से प्यार हो गया था। इस जोड़ी को दर्शकों ने खूब प्यार भी दिया। घर से बाहर आने के बाद दोनों ने खूब सुर्खियां बटोरी। हाल ही में दोनों का एक पंजाबी रोमांटिक सॉन्ग भी रिलीज हुआ था। हालांकि अब आसिम रियाज और हिमांशु खुराना को लेकर एक चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। दरअसल हिमांशु खुराना ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट किया है, जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। इस ट्वीट में हिमांशु खुराना ने इशारा किया है कि आसिम रियाज के साथ उनकी दोस्ती को पसंद नहीं किया जा रहा है। हिमांशु खुराना ने आसिम रियाज को लेकर ट्वीट करते हुए लिखा, हमें कोई साथ नहीं देखना चाहता। एक्ट्रेस के इस ट्वीट को देख फैंस हैरान हो गए हैं। फैंस कमेंट करके हिमांशु को हौसला देने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही उन्हें पॉजिटिव रहने के लिए भी कह रहे हैं। बिग बॉस 13 के कंटेस्टेंट सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल की जोड़ी लोगों की पसंदीदा जोड़ियों में से एक है। दोनों हाल ही में एक गाने बुला दूंगा में साथ नजर आए और खास बात तो ये है कि गाने ने सोशल मीडिया पर धमाल मचाकर रख दिया। लेकिन हाल ही में खबर आ रही है कि बुला दूंगा की सफलता के बाद सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल एक बार फिर 2 म्यूजिक वीडियो में साथ नजर आ सकते हैं। इस बात का खुलासा मुझसे शादी करोगे के कंटेस्टेंट मयूर वर्मा ने स्पॉट बॉय को दिए इंटरव्यू में किया है। हालांकि शहनाज और सिद्धार्थ के अपकमिंग प्रोजेक्ट से जुड़ी अभी तक कोई भी आधिकारिक सूचना नहीं मिली है। कोरोना वायरस ने दुनिया में हाहाकार मचा रखा है। पूरे भारत में लॉकडाउन है, काम धंधे सब बंद है। कोरोना की वजह से बॉलीवुड की मार्च और अप्रैल में रिलीज होने वाली कई फिल्मों पर असर पड़ा है। बॉलीवुड की फिल्मों की शूटिंग रुक गई है तो कुछ फिल्में ऐसी भी है जिनकी रिलीज डेट को आगे बढ़ाना पड़ा है। 25 मार्च से हुए लॉकडाउन बॉलीवुड की कई फिल्मों को गणित बिगाड़ने वाला है। सलमान खान की मोस्ट वेटेड फिल्म राधे इस साल ईद पर रिलीज होने वाली है, मगर खबरें हैं कि राधे के लिए ईद पर रिलीज होना मुश्किल हो सकता है। फिल्म के आखिरी चरण की शूटिंग अभी खत्म नहीं हो पाई है, जिसके चलते इस फिल्म का तय समय पर रिलीज होना संभावना कम नजर आ रही है। बॉलीवुड लाइफ की खबर के मुताबिक अगर लॉकडाउन नहीं होता तो अभी सलमान खान की फिल्म का पोस्ट प्रोडक्शन का काम चल रहा होता। अब अगर 14 अप्रैल को लॉकडाउन खत्म भी हो जाता है और शूटिंग शुरू हो जाती है तो भी 22 मई से पहले इस फिल्म का काम निपटाकर फिल्म रिलीज करना बड़ी चुनौती होगा। ईद 23 मई को है, ऐसे में टीम को 40 दिनों में काम निपटाना होगा। जैकी श्रॉफ की बेटी और टाइगर श्रॉफ की बहन कृष्णा श्रॉफ सोशल मीडिया पर काफी शाही रहती हैं। बॉलीवुड फिल्मों से वे भले ही दूर हों, लेकिन सेलिब्रिटी से कम नहीं हैं। वे अपनी लाइफ बिंदास और अपने स्टाइल में जीती हैं। वेकेशन वजह रोमांटिक डेट कृष्णा अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर उन्हें शेयर करती है। अपने बॉयफ्रेंड एवम हेम्स के साथ तो अक्सर रोमांटिक तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती हैं, लेकिन खबर है कि दोनों के प्यार भरे इस रिश्ते को किसी की नजर लग गई है। दरअसल कृष्णा श्रॉफ ने इंस्टाग्राम अकाउंट से बॉयफ्रेंड के साथ अपनी तस्वीरें डिलीट कर दी है। ऐसे में माना जा रहा है कि दोनों के रिश्ते में कुछ अनबन चल रही है। इस वजह से एवम हेम्स और कृष्णा श्रॉफ के ब्रेकअप की खबरें तेजी से फैल रही हैं। कहा जा रहा है कि दोनों का ब्रेकअप हो गया है, इसलिए कृष्णा ने फोटोज डिलीट कर दी है।